नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और आज आपके लिए मैं कोई गाड़ी का कोई रिव्यू वगैरह कुछ नहीं लेकर आया हूं। मैं खाली बस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि अभी करंटली गुड़गांव हमारे नॉर्थ इंडिया में YouTube की फैमिली पे, मतलब कि मैं भी एक YouTube का फैमिली मेंबर हूँ, चाहे मेरी सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है ये वीडियो बनाने का कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई हमारे अरुण पवार, हमारे चहेते यूट्यूबर, जो कि ये इशू उठाना चाहता हूँ कि अभी उनके साथ एक अनहोनी हुई है, उनके भाई के साथ जिनका नाम अजीत पवार नाम है, अजीत भाई के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, और उस चीज़ का एक इशू उठाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई देखो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने हार्ड एंड मनी से ये गाड़ियाँ लेते हैं, और उसके बाद भी गाड़ियों में अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व किया जाए। चलो ये तो हो गया उनका, मतलब कि गाड़ी में इशू था। तो दूसरी बात ये कि भाई हम लोग एक तरह से फीडबैक ही तो दे रहे हैं अपना। अब देखो, मान लो हमने इतनी, मैंने रिनॉल्ट को इतनी वो मतलब कि एक मेरी शुरुआती वीडियो है, तीसरी चौथी वीडियो है यूट्यूब के, उसमें आप देखोगे मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैंने क्विड को बहुत बुरा भला बोला है कि बिल्कुल ही टीन का डिब्बा है, उससे अच्छी तो अल्टो है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मैं ओपिनियन दे सकता हूँ। जब मैं गाड़ी की कंपनी के बारे में बोल सकता हूँ तो आपके सर्विस सेंटर के बारे में क्यों नहीं बोल सकता? ये मैं सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, JMV हुंडई सोहना, और अलीपुर गांव में है ये। तो ये भाई वहाँ पे पहुँचे और इनके साथ अनहोनी हुई। क्यों हुई भाई? अगर मान लो वो, तो चलो वो शरीफ बंदे हैं, अब वो हमारे जैसे ही बंदों से मिल जाते या हम चले जाते भाई, कोई अनहोनी हो जाती भाई उधेड़ देते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट क्यों किया जा रहा है, ये मेन कंसर्न है। क्योंकि हुंडई का मतलब ये हो गया कि भाई आपने तो गाड़ी बेच दी हमें, अब आप जाओ भाड़ में, बाहर से करवा लो काम। यार हद होगी, 16-17 लाख या 14-15 लाख रुपए की गाड़ी आपकी ले के और फिर आदमी दुखी हो तो वो गाली भी बकेगा भाई। मैंने तो राणा मोटर से ब्रेजा पुरानी ली थी, उसकी वीडियो अभी तक मैंने डाली नहीं है, और मेरी तो छोटी मोटी सर्विस में भी अगर धुलाई में भी दिक्कत आ जाती है ना, पर्टिकुलर बंद मतलब कहता हूँ कि भाई ये काम नहीं हुआ है, इसको दोबारा करो, अपने सामने खड़े होकर करवाता हूँ भाई। कह रहा हूँ मारुति जैसे बिजी वर्कशॉप्स पे भी ना कई घंटे लग जाते हैं सर्विस होने में, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी क्वालिटी और सब कुछ देख के और अच्छी चीज़ देते हैं। लेकिन ये तो भाई हुंडई, हुंडई इंडिया, आप अभी पीछे आपने हुंडई पाकिस्तान ने कोई ट्विटर पे कोई वो छेड़ दिया था कि ये है वो है, उस चीज़ पे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो उनकी थिंकिंग है, वहाँ का कोई मैनेजमेंट सिस्टम अलग होगा, उन्होंने हम पे कमेंट मारा है, ठीक है वो छोड़ो। लेकिन ये हुंडई इंडिया से मेरा पूरा कंसर्न रहेगा कि ऐसे अगर कस्टमर सर्विस दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बच जाएगी। पावर भाई बहुत ही रिस्पेक्टेबल, अब उन्होंने तो ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ी होगी जिसके ऊपर उन्होंने नहीं बनाई, तो वो बंदा तो घर से बाहर निकलने के लायक ही नहीं है, उसको तो सब मारेंगे। निकलता बलता मतलब कि किसी भी कस्टमर सर्विस में जाएगा, कहीं पे भी सर्विस करवाने जाएंगे वो भाई, तो वो तो हर जगह पिट के आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा मेरे भाई। ये ऐसे तो मतलब कि हम पैसे भी दें और पिटें भी और गाड़ी भी खरीदें और सर्विस भी करवाएं और उसकी कंप्लेंट भी ना करें, तो क्या चाहते हो आप लोग हुंडई वालों से? मेरा ये सवाल है, आप लोग चाहते क्या हो? अब हमारी ये मांग है, देखो एज ए फेलो यूट्यूबर हम लोगों की तो यही डिमांड है, अब दोषियों को पकड़ा जाए, उनको उचित सजा दी जाए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, और JMV हुंडई का लाइसेंस या उनकी डीलरशिप कैंसिल की जाए, ये फुल एंड फाइनल। और भाई ये जो चोट लगी है ना, इसका कंपनसेशन भी लेना चाहिए। मैं तो अरुण भाई से ये भी कहना चाहूँगा कि आप कंज्यूमर फॉर्म में अपना एक एप्लीकेशन डालिए, और मतलब कि जो हाई अथॉरिटी है ना, सब जगह हुंडई को टैग करिए। ट्विटर पे भी मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, ट्विटर पे भी आपके वहाँ पे एक ट्वीट डाला है, मैंने रीट्वीट भी किया है, तो भाई हमारा तो फुल सपोर्ट है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी का, और मैं तो कहता हूँ सभी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये देखो मतलब कि यार भाई, आप एक चीज़ सोच के चलो कि ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तो इनके साथ ये हुआ है, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी है कुछ नहीं है, मामूली आदमी है, मामूली आदमी के साथ ऐसा कर देंगे ये लोग, तो भाई कैसे चलेगा काम?
हम लोग पिटते ही रहेंगे क्या? हम लोगों के नसीब में पिटना ही है फिर। यहाँ पे सरकार पीटे, फिर कुछ और पीटे, फिर ये सर्विस सेंटर वाले पीटे, पिटते रहो बस सारी ज़िंदगी। पैसे लगाओ, कोई भी आदमी पैसे लगाता है अपनी सुख सुविधा के लिए लगाता है। कोई भी चीज़ खरीदता है, एक बाइक, साइकिल, गाड़ी, कुछ भी खरीदता है अपनी सुविधा के लिए खरीदता है। अगर उसको उस सुविधा में असुविधा मिले तो उसकी कंप्लेंट कर सकता है और करेगा। और ये मतलब कि कहीं लिखा नहीं है लॉ में कि, या आपकी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कि आपने गाड़ी यहाँ से ली है तो वहीं सर्विस करवाओ। एक अरुण भाई के पास, एक टाटा सफारी वाले भाई, वो भाई इतना शरीफ भाई। मैं शिकोपुर से हूँ, गुड़गांव हरियाणा, आपके नज़दीक ही हूँ मानेसर से। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं ईमेल आईडी छोड़ दूँगा, ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कीजिए भाई, उनकी उनके लत्ते फाड़ देंगे। शिकोपुर वाले भाई कोई भी है, मानेसर वाले भाई देख रहे हो भाई, सब चलो, तीन चार गांव हो जाएंगे साथ में, सब एक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे मिल के चलेंगे, सालों के लत्ते पाड़ देंगे। कैसे ना लेंगे गाड़ी, भेजो। गाड़ी ली उस बंदे ने, टाटा सफारी 26-27 लाख रुपए की ली, और फिर टायर भी फट गया, कभी ब्रेक पैड चिपक रहे हैं, भेजो। ताबूत बेच रहे हो क्या? ऐसे ही ये भाई के साथ, अजीत पवार भाई के साथ, हुंडई क्रेटा 14 लाख रुपए की आई उसके भाई की, 14 लाख रुपए की ली, उसमें दिक्कतें आ रही है। मान लो चलते चलते में बंद हो गई भाई, पावर स्टेयरिंग बंद हो गया, लॉक भी लग गया स्टेयरिंग में, वो तो भाई मर गया। ताबूत बेच दो इससे बढ़िया, 14 लाख रुपए की क्या जरूरत है? किसी भाई को बुरा ना लगे, बढ़िया ताबूत खरीद लेंगे, हैं? संगमरमर के ताबूत तो मैं लेट जाएँ फिर। भाई गाड़ी लेते हैं अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, ऐसे ये पिटने के लिए और मरने के लिए नहीं लेते हैं। अपनी चीज़ों को ठीक करो। और हुंडई इंडिया, मैं तो कहता हूँ उस बंदे का, JMV हुंडई का, आप लाइसेंस कैंसिल कीजिए, और नहीं तो हम भी अपनी तरफ से पिटीशन डालते हैं। एक पटीशन डालने में कुछ नहीं लगता, 1500 रुपये का खर्चा आएगा, हम भी पटीशन डाल देंगे। और मैं तो कहता हूँ भाई, जितने भी गुड़गांव से और ये जो भी शोरूम से हुंडई हो, टाटा हो, किसी से भी दुखी हो ना, उस बंदे को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप दुखी हो, आप कंज्यूमर फॉर्म में एप्लीकेशन डालिए, देर सवेर आपको उसका सारा सोल्यूशन मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता हमें, ठीक है? हमारे साथ सरकार है। गुड़गांव पुलिस के हायर रैंक ऑफिसर से भी कहना चाहूँगा, सर प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ में कंसर्न करिए, बहुत ही सीरियस मैटर है ये। ऐसे तो कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ या कोई भी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, ऐसे तो कोई भी मार सकता है किसी को भी, मतलब कि कोई भी सर्विस कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर को कोई भी मार सकता है। तो मतलब कि इस चीज़ को देखें, और यही बस मेरी गुजारिश है। और हम प्रे करेंगे अजीत पवार भाई की फैमिली के लिए, अजीत भाई के लिए, और अरुण भाई के लिए। और अरुण भाई से हम कहेंगे कि भाई आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। कोई भी भाई, किसी को भी कोई कंसर्न हो भाई, ट्विटर पे भी आ सकता है और इंस्टा पे भी आ सकता है, मेरे बायो लिंक में भी दिया हुआ है, और मेरी ईमेल आईडी भी यही है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और सतर्क रहें, सावधान रहें, और हुंडई से बचें, हुंडई को बाइकआउट करें। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, बाइकआउट हुंडई, हुंडई इंडिया, आप ऐसे ही सुधरोगे। जब आपके लिए हेट की वीडियोस बनेंगी ना, तभी आप सुधर पाओगे थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं सुधरने वाले आप।